सोनभद्र जिले के आदिवासी और पिछड़े अंचलों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से टीकाकरण के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर किया जा रहा है। इस महाअभियान में जिला प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज रेणुकूट के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, जादू आदि कई विधाओं के साथ गांव-गांव जाकर मनोरंजन के माध्यम से लोगों को न सिर्फ जागरूक किया जा रहा है बल्कि टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाया भी जा रहा है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ग्रामीण विकास के महाप्रबंधक श्री अभिजीत ने बताया कि संस्थान द्वारा जिले के 180 गांव में यह अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक टीकाकरण कराकर कोरोना महामारी से मुक्त किया जाए। गांव में फैले हुए भ्रांतियां कोरोना के टीका से संबंधित को दूर करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चला रही है। लोगों को उनके भाषा, उनके संस्कृति के माध्यम से वैक्सीन का महत्व और वैक्सीन लगाना क्यों जरूरी है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। हमारे जो सांस्कृतिक मंडल टीम है उनके द्वारा 180 गांव में चिन्हित गांव में गांव के बीच में कई जगह पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, संगीत, ये सब के माध्यम से लोगों को जागरूक करके उनको टीकाकरण के लिए प्रेरित करके सेंटर तक पहुंचाया जा रहा है। सांस्कृतिक टीम की अगुवाई और घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे क्षेत्रीय रंगमंच कलाकार रामकेश ने बताया कि इन आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को उनकी ही संस्कृति और भाषा में समझाना आसान है, जिसका सार्थक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। गांव में जो हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं इसका असर जरूर पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग टीकाकरण नहीं करवाना चाहते थे उनके मन में बात आ रही है टीकाकरण होना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं गांव में, तो उनको समझाने के लिए जब अपनी भाषा में हम लोग जाके, क्योंकि बोलते हैं कि हम खुद ही टीकाकरण कराए हैं, हम लगवाए हैं, तो लोग विश्वास करते हैं, तो इसलिए इसमें सफलता जरूर मिल रहा है। उप जिलाधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि कोविड गाइडलाइंस के अनुसार रैलियां नहीं निकाली जा सकती, ऐसे में हिंडाल्को द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विभिन्न विधाओं के साथ जागरूकता को लेकर सराहनीय कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों को कठपुतली के द्वारा जो है, नृत्य के द्वारा लोगों को जानकारी जो है दी जा रही है, क्योंकि शासन द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत रैली निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसलिए गांव-गांव लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए हम लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के साथ कोरोना से जंग भी जीत सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।